ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए एक दिव्यांग ठेला चालक की आर्थिक मदद की। इस दौरान उन्होंने दिव्यांग को मास्क भी पहनाया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सीपी कॉलोनी मुरार से गुजरते हुए एक दिव्यांग हाथ ठेला चालक की आर्थिक स्थिति खराब देखकर उसकी मदद की। उन्होंने हाथ ठेला चालक की मौके पर ही राशन के लिए आर्थिक मदद की। इस दौरान उन्होंने ठेला चालक को मास्क पहनाया। कई बार देखा गया है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर सामाजिक कार्यों के प्रति सजग रहते हैं। जहां भी जरूरत होती है वे स्वयं मदद करने पहुंच जाते हैं। इस मौके पर तोमर ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी कि समाज में अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति की सेवा होनी चाहिए। समाज में सभी वर्ग के व्यक्ति की सुरक्षा जरूरी है। दोनों हाथ उसके नहीं, विकलांग हाथ भी नहीं, मास्क नहीं लगाए थे, उसकी सुरक्षा जरूरी है, मास्क भी लगाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच है समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सेवा करना चाहिए। तो कोरोना काल में वो परेशान था मुझे लगा, तो हमने उसको तत्काल जो बन पड़ा वो सहयोग किया। और मैं उसे ये भी आपको बता दूँ कि हम जो हमारे प्रदेश के एसोसिएशन मुख्यमंत्री जी ठेला वालों को जो लोन दिलाते हैं उस प्रक्रिया में भी उसको शामिल कराने का। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।